दोस्तों, हम में से ज्यादातर के क्वेश्चन होते हैं कि रैम क्या होती है और इसका हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में क्या काम होता है। इसी डाउट को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, जो कि सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा प्राइमरी में दो और मेमोरी होती है, जो है केस मेमोरी और रोम। और सेकेंडरी में होती है हमारी हार्ड डिस्क, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो हम बात करते हैं रैम की। दोस्तों, रैम कंप्यूटर और स्मार्टफोन के लिए इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है। ये जितनी ज्यादा होगी, आपका सिस्टम उतनी ही ज्यादा स्पीड से काम करेगा और ये एक हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। कि जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं, तो उस एप्लीकेशन की फाइल हार्ड डिस्क से निकलकर डायरेक्ट रैम में आ जाती है और रैम उन फाइल्स को रीड और राइट करके सीपीयू तक ले जाती है और सीपीयू फाइल्स को प्रोसेस करके डिस्प्ले पर आउटपुट देता है। तो यही मेन फंक्शन है रैम का। दोस्तों, रैम में जितना ज्यादा स्पेस होगा, आपका मोबाइल और कंप्यूटर उतना ही फास्ट काम करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके फोन की रैम है 1 GB, तो आप 1 GB तक की ही फाइल एंड एप्लीकेशन इकट्ठे चला सकते हैं। इससे ज्यादा फाइल्स आप चलाओगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि रैम में और फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए और कोई स्पेस नहीं बचा है, इसलिए आपका फोन हैंग हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। इसीलिए रैम इतनी महंगी होती है एक सिंपल हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड से। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। और यदि आप इंटरेस्टेड है ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।